सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल कपूर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दी एस के स्टेशन पे। तो यारो, आज हम मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज से हट के बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के टॉप 5 सुपर हीरोज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 इंडियन सुपर हीरोज के ऊपर। और आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आपके फेवरेट सुपर हीरो मेरी इस टॉप 5 की लिस्ट में कौन से पोजीशन पे या कौन से नंबर पे आते हैं। तो चलिए आपकी इस बेचैनी को दूर करते हैं और बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यारो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ज़्यादा ही पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिना किसी देर के हमारी वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, टॉप 5 इंडियन सुपर हीरोज की इस लिस्ट को बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात भी बताना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट बनाई है मैंने टॉप 5 इंडियन सुपर हीरोज की, अगर इस लिस्ट में आपका कोई फेवरेट सुपर हीरो ऐड नहीं हो पाया, आपका फेवरेट इंडियन सुपर हीरो या टॉप पोजीशन पर नहीं आ पाया, तो यार उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और क्योंकि ये टॉप 5 की लिस्ट है तो इसमें सभी सुपर हीरोज को कवर तो नहीं कर सकता, तो यारो अगर ऐसा होता तो उसके लिए मैं आपसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ। तो दोस्तों, अब बिना देरी की हुए हम बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 इंडियन सुपर हीरो की ओर, या यूं कहूँ नंबर 5 इंडियन सुपर हीरो की ओर। और वो निकल कर आता है राज कॉमिक्स का एक बहुत पुराना और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो, नागराज। जी हाँ, नागराज। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ये नाम थोड़ा ओल्ड फैशन लगेगा, क्योंकि नागराज सुनने में थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है, पर यार जो राज कॉमिक्स पढ़ते हैं और जो नागराज के फैन हैं उन्हें ये अच्छी तरह से पता होगा कि यही नाम नागराज पर सूट करता है। तो नागराज जब पैदा हुआ था तब लोगों ने उसे मरा हुआ समझा था, और ये ऐसा समझने की वजह ये थी क्योंकि नागराज के शरीर में वाइट ब्लड सेल की जगह छोटे छोटे नाग दौड़ रहे थे, और इसी वजह से उसके शरीर का रंग नीला पड़ गया था और लोगों को लगा कि ये मर गया है। पर डॉक्टर नागमणि, जो कि डॉक्टर हैं एक, उन्होंने नागराज को बचा लिया और उसे अपने साथ ले गए और उससे ट्रेनिंग देने लगे, और साथ ही में उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की उन्होंने। और जब नागराज जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वो क्राइम के खिलाफ भी लड़ने लगा और लोगों की मदद करने लगा। और नागराज के पास है कई सारी सुपर ह्यूमन पावर्स, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फास्ट हीलिंग फैक्टर और सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसी कई सारी पावर्स। तो इन्हीं सभी वजह से नागराज हमारी इस लिस्ट में, इंडियन सुपर हीरोज टॉप 5 इंडियन सुपर हीरोज की लिस्ट में नंबर 5 में अपनी जगह बनाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट सुपर हीरो निकल कर आता है वो है रावण मूवी से जीवन। तो जीवन एक गेम कैरेक्टर है जो कि हम सभी जानते हैं, पर मूवी का विलन रावण गेम से बाहर निकल जाता है और फिर उसको हराने के लिए जीवन को भी गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, और जीवन रावण को मार भी देता है, यानी कि उसको मारने में सफल भी हो जाता है। पर रावण को मारते मारते जीवन भी मर जाता है, मेरा मतलब है कि जीवन भी वापस से गेम में चला जाता है। पर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जीवन को फिर से गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसके पास भी आती है कई सारी पावर्स, और गेम का कैरेक्टर होने के कारण हम एक तरह से मान के चले तो जीवन भी इमॉर्टल है, और इसी वजह से ये हमारी टॉप 5 इंडियन सुपर हीरोज की लिस्ट में नंबर 4 में अपनी जगह बनाता है। अब जो हमारा अगला इंडियन सुपर हीरो निकल कर आता है वो है अपना फ्लाइंग जेट। तो फ्लाइंग जेट की पावर्स उसको मिली है एक पुराने पेज से, और फ्लाइंग जेट की सबसे बड़ी वीकनेस है प्रदूषण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और फ्लाइंग जेट के पास कई सारी सुपर पावर है जिनसे वो बड़े से बड़े सुपर हीरो को भी टक्कर दे सकता है, जैसे कि फ्लाइंग जेट के पास आती है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइंग पावर, सुपर हीलिंग और सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसी कई सारी पावर्स। और इन्हीं कारणों के कारण फ्लाइंग जेट हमारी इस टॉप 5 की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल हो पाता है। दोस्तों, अब हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 2 में सुपर हीरो निकल कर आता है वो है द वन एंड ओनली क्रिश। तो क्रिश के बारे में तो आप सभी लोग को पता ही होगा, क्योंकि अब तक बॉलीवुड की सिर्फ क्रिश ही एक ऐसी सुपर हीरो फ्रेंचाइज है जिसने काफ़ी कम बजट में काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। चलिए फिर भी मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ क्रिश के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिश को उसकी सारी पावर्स मिली है उसके पिता यानी कि रोहित मेहरा से, और रोहित मेहरा यानी कि उसके पिता को उसकी सारी पावर्स मिली है अंतरिक्ष के एक एलियन जादू से, और क्रिश के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और फ्लाइंग पावर, और साथ में सुपर मेटाबॉलिज्म के साथ साथ सुपर ड्यूरेबिलिटी जैसी कई सारी पावर्स। और क्रिश भारत का एक मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो भी है, और इसी वजह से वो हमारी इस लिस्ट
लिस्ट में टॉप टू में अपनी जगह बनाता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नंबर वन इंडियन सुपर हीरो की ओर। और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों ने उसका नाम गैस भी कर लिया होगा, पर जो लोग उसका नाम गैस नहीं कर पाए तो रियली मैं बता दूँ, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो शक्तिमान। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शक्तिमान ने अपने पांचों एलिमेंट्स यानी कि चक्रास पर काबू कर लिया है, जिसकी वजह से शक्तिमान बन चुका है एक सेल्फ मेड सुपर हीरो। और शक्तिमान को नंबर वन पोजीशन पर रखने का कारण उसकी पॉपुलैरिटी, इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि शक्तिमान का एक मोस्ट 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 पावरफुल सुपर हीरो होना है, क्योंकि शक्तिमान को इतना ज़्यादा ओवर पावरफुल बनाया गया है कि उसके सामने मुश्किल से ही कोई सुपर हीरो टिक पाए। और उसके पास आती है कई सारी पावर्स, या एक तरह से कहूँ मैं इन्फिनिटी पावर्स, एक तरह से उसकी पावर्स है एडलेस। तो इन सभी कारणों के कारण यार हमारा जो शक्तिमान है वो ऑब्वियसली इंडिया का नंबर वन सुपर हीरो है, और हमारी इस लिस्ट में शक्तिमान नंबर वन पर ही आता है। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि इंडियन सुपर हीरोज़ की हमारी लिस्ट में एक और ऐसा इंडियन सुपर हीरो था जो इस लिस्ट में शामिल होना डिजर्व करता था, पर कुछ कारणों के कारण मैं उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाया, और वो सुपर हीरो निकल कर आता है रोबोट, और रोबोट 2.0 मूवी से जीती। तो जीती के बारे में तो आप सभी जानते हैं, और इसकी पावर्स के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं बस आप सभी को इसके बारे में बताना चाहता था कि ये भी इस लिस्ट में डिजर्व होना शामिल करता है, पर कुछ कारणों से मैं शामिल नहीं कर पाया। तो अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया तो यार दिल से सॉरी यार, टॉप 5 की लिस्ट है, इसमें किन किन सुपर हीरोज को ऐड करूँ आप ये भी तो सोचो। तो मैं अब आप सभी से मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अवेंजर्स वर्सेस शक्तिमान की फाइट देखनी है तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इंडियन सुपर हीरो वर्सेस अवेंजर्स की फाइट देखनी है तो भी आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, वीडियो को शेयर तो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को दबाना। लव यू गाइस, गुड बाय।